हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज कुछ इस तरह की ब्लाउज की कटिंग आपको बताने जा रही हूँ। तो ये मेन फैब्रिक है, इसमें ऐसा डिज़ाइन है। तो हम शुरू करेंगे पहले अस्तर से। तो मैंने अस्तर लिया है, वो मैंने वन साइड फोल्ड किया है, फोल्डेड बाजू मेरे तरफ है। तो मैं ये पूरा फोल्ड ले रही हूँ 10.5 इंचेस का विड्थ में, जितना कि मुझे चाहिए। तो उसमें से 2 इंचेस होगा मेरा मार्जिन, तो सब मिलाकर 10.5 लिया है मैंने। तो मैं पहले मेजर करूँगी हाइट, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस, क्योंकि मुझे 14 इंचेस तैयार चाहिए, तो 1 इंच बढ़ाया है मैंने। और मैं बैक साइड से ये बैक साइड कट कर रही हूँ, और मैं बैक साइड से ये लगाऊँगी, हुक लगाऊँगी। तो इसके लिए मुझे 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं वो भी ड्रॉ करूँगी। पहले मैंने ये 6 इंचेस पर आर्म होल ड्रॉ किए है, तो ये मेरे 2 लाइन मुझे मिल गए हैं। तो शोल्डर में 6 इंचेस ले रही हूँ, ये बोट नेक है लेकिन मैं 6 इंचेस ही ले रही हूँ। वैसे मुझे 7 इंचेस लेना था, लेकिन मैंने 1 इंचेस मैंने कम किया है अपने हिसाब से। तो मैंने 1/2 इंचेस मार्जिन दी है हुक की पट्टी के लिए, हाई हुक दोनों के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा क्रॉस में क्रॉस बैक किया है, क्योंकि ये मेरा बैक साइड है, तो थोड़ा क्रॉस बैक हेल्प करेगा अच्छे से बोट नेक को। तो मैं 8.2 इंचेस ले रही हूँ, ये मेरा चेस्ट है, और मैं 1.5 इंचेस मार्जिन ले रही हूँ, 1.5 या 2 इंचेस भी आप ले सकते हैं। तो चेस्ट मैंने 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 होता है, लेकिन मैंने 8.2 लिया है। और मैं वेस्ट ले रही हूँ 7 इंचेस, जो कि पूरा 28 है, तो उसका फोर्थ पार्ट 7 इंचेस लिया है मैंने। और 1 इंचेस मैंने बाकी जो बैक में प्लेट्स लगते हैं उसके लिए लिया है, और बाकी मैंने मार्जिन ड्रॉ किया है। अब हम ड्रॉ करेंगे नेक। तो उससे पहले मैं शोल्डर ले रही हूँ 3 इंचेस के, तो तैयार मेरे 2.5 इंचेस तक के आ जाएंगे। और उसमें हाइट ले रही हूँ मैं 3.5 इंचेस, और मैं ऐसा बॉक्स बना ले रही हूँ, और उसको मैं गुलाई दे दूंगी फ्रेंच कर्व की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। तो मेरा अपर नेक हो चुका है, अब मैं नीचे जो मुझे डिजाइन करना है हार्ट शेप, मैं वो ड्रॉ करूंगी। उसके लिए मैंने 1 इंचेस गैप लिया है बीच में, और उसके बाद मैं 3 इंचेस ऐसे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 इंचेस में ही डिज़ाइन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने 8 इंचेस नीचे लिया है, उसी के गैप के बीच मुझे डिज़ाइन करना है। तो अगेन मैंने 3 इंचेस लिया है, तो मैं ऐसा बॉक्स बना लूँगी इधर, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ हाफ वाला हार्ट ड्रॉ करूँगी। इस तरह से हमें रखना है फ्रेंच कर्व को, और उसके हिसाब से वैसे ड्रॉ करना है उसके बाजू में इस तरह से। तो ऐसे नीचे करना है थोड़ा सा, ताकि शेप दिखे। तो ये मेरा बैक का ड्राइंग हो चुका है, अब मैं इसे कट करूंगी। शोल्डर हमें थोड़ा सा डाउन करना है, बाकी एज इट इज हमें कट करना है। तो मेरा बैक पार्ट हो गया है कट करके, बाद में मैं ऐसे प्लीट्स लगाऊंगी और थोड़ा सा अपर साइड काट दूंगी। तो मैं अब कर रही हूँ फ्रंट पार्ट, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा चाहिए। मैं फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट करूंगी। तो मैंने कपड़ा बिछाया है, तो फ्रंट में मेरे हाई वॉक नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने पूरा जो हाई वॉक का छोड़ा था मार्जिन बैक में, उसे माइनस करके मैं यहाँ वैसे रख रही हूँ इसे फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने इसे एक के ऊपर एक रखा है, और मैं अब शोल्डर और आर्म दोनों ड्रॉ करूंगी, जैसा मैंने बैक में किया है वैसा। आपको उसी तक ही ड्रॉ करना है, सिर्फ शोल्डर और आर्म और नेक, क्योंकि नेक भी हमारा फ्रंट में उतना ही रहेगा जितना कि बैक में है। तो जैसे फ्रंट में नेक था वैसे ही मैं कर रही हूँ। अब हमें फ्रंट के लिए थोड़ा सा आर्म होल थोड़ा सा कम किया है मैंने,
फ्रेंच करके हेल्प से थोड़ा सा अंदर के साइड लेना है हमें, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ा सा लेना है, क्योंकि बोट नेक है। अगर आपका आपका गला डीप होता तो थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ते, लेकिन मैंने थोड़े से कट किए हैं। तो आर्म होल मेरा 7.5 इंचेस है, तो मेरा एग्जैक्ट 7.5 इंचेस, और मैंने 1/2 इंचेस थोड़ा सा बढ़ाया है, और ये 1.5 इंचेस का मार्जिन देता है। 1.5 या 2 इंचेस का भी आप ले सकते हो। अब मैं करूँगी 10 इंचेस पर बस्ट पॉइंट ड्रॉ, तो मेरे 10 इंचेस पर करूँगी मैं, और यहाँ से मैं 3.5 इंचेस ले रही हूँ ऐसे। 3.5 मतलब 35 का होता है 10 पार्ट 3.5, लेकिन मेरे 34 ही है, इसलिए मैंने फिर भी 3.5 लिया है। तो नीचे हमें 3 इंचेस लेना है, और ऐसे लाइन ड्रॉ करके करना है। तो हमें यहाँ ट्रायंगल बनाना है 3-3 इंचेस का ऐसे, हमारे पफ के लिए प्रिंसेस कट के। तो मैंने तीनों साइड से 3-3 इंचेस लिया है, इस साइड से भी मैंने 3 इंचेस लिया है, इस साइड से भी 3 इंचेस लिया है। तो मेरा तीनों पार्ट 3-3 इंचेस का हो गया है। अब हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ, और फ्रंट तो ये मेरा 2.5 है यहाँ का, तो यहाँ ऊपर से मैं 4.5 इंच पर एक मार्क करूंगी, और वो लाइन में नीचे वाले में मिला दूंगी। उससे पहले मैं फ्रेंच कर्व से यहाँ कर्व कर रही हूँ पफ आने के लिए। नीचे भी करना है हमें इस तरह से थोड़ा सा, तो हमारा पफ आता है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और अब मैं ये लाइन दोनों ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। तो यहाँ से मेरा आ रहा है 5.7 इंच, तो यहाँ से भी 5.7 इंच ही आना चाहिए, 5.6। तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। तो मैं वहाँ का पार्ट नीचे का मैं कट कर लूँगी। तो अब हमें मेजर करने हैं वेस्ट, तो 7 इंचेस वेस्ट लेना है। तो यहाँ का मेरा आ रहा है 2.5 इंचेस, 2.5 में भी थोड़ा सा कम है एक लाइन, तो हमें वैसा पकड़ना है। तो और 7 इंच यहाँ पर रख देना है, तो हमारी 3 इंचेस की टोटल प्लीट्स आएगी, और ये 2.5 हमारा यहाँ मार्क आएगा। तो ये टोटल यहाँ का 2.5 और जो नीचे अपर साइड में बचता है अगले में, तो दोनों मिलाकर हमारा 7 इंच आ जाएगा, और 3 इंचेस की प्लेट वो माइनस हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ कर्व देते हुए ऐसे कट कर देंगे, और जो बैक पार्ट है वह मैं प्लीट्स नहीं लगाई थी, वो मैं भूल गई, तो मैं अब वो प्लीट्स लगाऊंगी ऊपर के साइड। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बैठ नहीं रहा, तो मेरी प्लीट्स वो लगाने की रह गई है, और ऊपर भी थोड़ा सा मैंने नहीं काटा है। तो पहले मैं वो कट करूँगी, फिर वो अपने आप एक साथ बैठेगा। तो प्लेट्स के लिए मैं 3 इंचेस ले रही हूँ मार्जिन से, मार्जिन छोड़ के, और 4 इंचेस में हाइट ले रही हूँ, ताकि ये दोनों प्लेट्स नजर आएंगी। और थोड़ा सा अपर साइड में मैं यहाँ कट करूँगी कपड़ा, ताकि प्लेट्स लगने के बाद वो एकदम सीधा हो जाए। तो अब ये बराबर आ जाएगा दोनों मार्जिन एक साथ, तो आप देख सकते हैं आ रहा है। तो ये दोनों आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, इससे ये मार्जिन ड्रॉ करूंगी, और उसके बाद मैं इसे कट कर दूंगी फ्रंट पार्ट को भी। अब मैं इसे कट करूंगी, कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ।
थोड़े से कट्स भी लगाने हैं हमें मार्जिन के ऊपर। तो मैं अब कट करूंगी आस्तीन जो कि हमारे स्लीव्स रहते हैं वो, तो उसके लिए मैंने 2/4 किया है कपड़ा। तो मैं टोटल 11.5 इंचेस की ले रही हूँ स्लीव्स हाइट, और 3.5 तक मैं एक मार्क करूंगी दोनों। तो दोनों मार्क हमें ऐसे ड्रॉ करने हैं और यहाँ से 2.5 लेना है, वहाँ पर एक मार्क करना है। और यहाँ से मैं 7.5 इंचेस आर्म होल पूरा ले रही हूँ और 1.5 इंच का मार्जिन, ये दोनों लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी और यह दोनों साइड में एक दो कर्व दे दूँगी। तो हमारे स्लीव्स निकल आई है। तो नीचे से स्लीव्स अराउंड मैंने 5.5 इंचेस लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है मैंने। तो मैं इसे कट करूंगी। तो हमें फ्रंट का भी कट करना है थोड़ा सा। वो वहां निशान लगाना है ताकि हमें समझ आए फ्रंट है दोनों, इस तरह से। तो मेन फैब्रिक पर भी मैंने कट किया है ये सब, और मैं स्टिचिंग का वीडियो मैं बाद में डालूंगी, ये पार्ट 1 है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सपोर्ट भी कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।